हेलो दोस्तों, आपके अपने डिजाइन स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं जो हमारा रिसेंटली प्लानिंग जिस प्रोजेक्ट का खत्म हुआ है, जो है G+4 अपार्टमेंट। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का रिव्यू वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लॉट डिटेल्स हमें क्या थी। तो इस हिसाब से जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे प्लॉट की जो साइजेस थी वो ऐसे थी। और जैसे ही हमें प्लॉट्स की डिटेल मिल जाते हैं तो नेक्स्ट काम रहता है हमारा कि बिफोर स्टार्ट प्लानिंग वी हैव टू टेक क्लाइंट ब्रीफ्स। तो क्लाइंट के जो ब्रीफ्स थे उनके कुछ हाइलाइट्स हमने निकाल के रखे। तो आइए देखते हैं ब्रीफ्स के पॉइंट क्या क्या थे। तो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट था कि क्लाइंट का जो प्लानिंग रिलेटेड ब्रीफ था, सबसे पहला वो था कि उन्हें कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल स्कीम करना है। देन सेकंड था कि ग्राउंड फ्लोर पे उन्हें दो गोडाउन्स चाहिए थे और पार्किंग एरिया उन्हें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था, तो उस रिगार्डिंग उनके ब्रीफ थे। देन फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने कुछ ऑफिस प्लेस और जिम के लिए ये किया था। सेकंड और थर्ड फ्लोर पे वो हॉस्टल चाहते थे और जो लास्ट फ्लोर है वहाँ पे एक रेसिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह का उनका ब्रीफ था। तो इस हिसाब से जो हमारे क्लाइंट है उनके ब्रीफ थे। तो आफ्टर सेवरल प्लान्स उसके बाद में जो हमारा प्लान फाइनल हुआ है तो उसका अभी हम रिव्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे राइट साइड पे जो बॉटम में है, यहां से हमारा एंट्रेंस होता है, छोटा टू व्हीलर पार्किंग है। उसके बाद में यहाँ पे हमने ग्राउंड फ्लोर पे 19x15 और 23x10 फीट के दो गोडाउन्स दिए हैं। देन फॉर कन्वीनियंस हमने एक लिफ्ट दिया है जो 7x6 फीट का है और डॉगलेग स्टेयरकेस दिए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक साइड पे जो है वो एक ऑफिस स्पेस दिया है, जैसे उन्होंने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल ऑफिस के हिसाब से दिखाया है, लेकिन हम अगर चाहते हैं तो हमें इस ऑफिस को टू ऑफिस या फिर थ्री ऑफिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अगेन ऑन सेम फ्लोर ऑन द राइट साइड वी हैव प्रोपोज जिम, जो आप प्लान में देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमने जिम की जो है सबसे पहले एंट्रेंस में एक रिसेप्शन काउंटर दिया है। बाद में जो है जिम में दो हॉल हमने पार्टीशन किए हैं, जिम में हॉल 1 और हॉल 2 है। फिर जो भी आते हैं पर्सनल जिम में तो उनके लिए एक लॉकर और बाथरूम की अरेंजमेंट दी हुई है। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा ऑफिस स्पेस है वहाँ पे हमने एक वेटिंग एरिया दिखाया है, चेम्बर दिखाया है और एक वर्क स्टेशन दिखाया है जिसमें पैंट्री और बाथरूम की भी फैसिलिटीज जो है आप देख सकते हैं, पैंट्रीज और बाथरूम की फैसिलिटीज भी दी है। ये सब हमारा आता है फर्स्ट फ्लोर पे। देन हम आगे जाते हैं जो हमारा सेकंड और थर्ड फ्लोर सिमिलर दिया है, जहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें हॉस्टल के हिसाब से चाहिए। तो ऑन द लेफ्ट साइड हमने दो रूम्स में पूरे हॉस्टल को डिवाइड किया है, जहाँ पे 6 बेड का एक हमारा हॉस्टल क्रिएट हो रहा था, जिसमें हमने जैसे आप देख सकते हैं कि 3 बेड एक रूम में है और दूसरे रूम में 3 बेड्स है। यहाँ पे वॉशिंग एरिया और एक 5x6 फीट का जो है बाथ दिया है। सिमिलरली ऑन द अदर साइड यहाँ पे हमने वेंटिलेशन के एक बालकनी दिए है जो 4.5 फीट के लगभग वाइड है और यहाँ पे भी एक बात दिया है जो अटैच लाइट बात है। उसी के साथ जो राइट साइड में है वहाँ पे हमने जो बेड है वही 3 और 4 बेडरूम्स के हिसाब से दो रूम का डिवीजन किया है, उसमें भी हमने एक वॉश एरिया और बात दिया है। उसके बाद में वेंटिलेशन के लिए एक बालकनी छोड़ी है। सिमिलरली इन सेकेंड रूम यहाँ पे 4 बेडरूम्स का जो है हमने हॉस्टल का प्रोविजन किया है और अटैच बाथ दिया है और वॉशिंग एरिया वगैरह सब यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। जो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे पूरा हमारा हॉस्टल प्लान रहेगा। सिमिलरली हम जो हमारा फाइनल और फोर्थ फ्लोर है वहाँ पे पहुँच गए हैं, जहाँ पे हमने एक
1 BHK फ्लैट जो है क्लाइंट को प्रपोज किया था, जिसमें जो है 14.5x9 फुट का हमारा ड्राइंग हॉल आ रहा है, उसको लग के ही हमारा एक 5 फुट वाइड का बालकनी है। सिमिलरली हम अगर हॉल से थोड़ा आगे जाते हैं तो 8 फीट बाय 10.5 फीट का हमारा एक किचन आता है। किचन को लग के ही हमारा एक मास्टर बेडरूम है, जहाँ पे हमने 11 फुट 2 इंच बाय 10.5 फीट का मास्टर बेडरूम दिया है। और किचन को लग के ही हमारा बालकनी है, जिससे हम वॉश एरिया, जिसमें से कुछ एरिया एज अ वॉश एरिया यूज़ करेंगे और कुछ एरिया जो है हमारा पैसेज और मल्टीपल यूज़ के लिए करेंगे। और कन्वीनियंट के लिए हमने यहाँ पे अटैच जो है लाइट बाथ दिया है 5 फीट 8 इंच बाय 4 फीट 4 इंच का। और यहाँ पे एक ओपन टेरेस दिया है, जहाँ पे एक टेरेस गार्डन का भी अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, या फिर सिमिलरली जैसे कि गेस्ट वगैरह है तो कुछ पार्टी अरेंजमेंट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा G+4 का जो हमारा अपार्टमेंट का प्लान था, उसका पूरा रिव्यू। हमारा जो आज का वीडियो है कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों जैसे कि कल ही गणपति जी का आगमन हुआ है हमारे यहाँ पे, तो सभी हमारे व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारा जो वीडियो है आज का समाप्त करते हैं। जय हिंद।